Guys, welcome back to our channel. Hope you're all good. So without wasting any time, let us start our new topic, which is cyclic groups. Ab cyclic group padhne se pehle main ek cheez padhungi, that is power of an element. Ab power of element hota kya hai? Suppose let us consider G be a group. Ab G ek hum group consider karte hain. Under suppose binary operation mein multiplication le lete hu filhal. अब जी अगर ग्रुप है तो पक्का क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा. तो क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते क्या है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए इंटू बी, बी कहाँ होने चाहिए, जी में होने चाहिए, ए डॉट बी या फिर बोल सकते हैं ए इंटू बी, दोनों का एक ही मतलब है. तो ये भी कहाँ होना चाहिए, जी में होना चाहिए. अच्छा, जब हम ए और बी उठाते थे तो उसने ये कोई स्पेशलिटी ये नहीं बोला था कि ए और बी जो होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए. वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं था. उसने कहा था कि ग्रुप के कोई दो एलिमेंट हमने पिक करने हैं. तो सपोज़ अब ए कोई एलिमेंट है ग्रुप का, अब मैं दूसरा एलिमेंट भी ए ही अगर उठा लेती हूँ तो अगर ए भी दो, ए अगर मैं जी से उठा रही हूँ, देयरफॉर फिलहाल ए बिलोंग्स टू जी हो गया. तो पक्का क्या होगा यूजिंग दिस क्लोजर प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब ए इंटू ए भी कहाँ होगा, जी में होगा. विच मीन्स कि ए स्क्वेयर भी कहाँ होगा, जी में होगा. तो इससे मुझे क्या मिल गया कि अगर मैंने कोई दो एलिमेंट उठाए और उनका प्रोडक्ट किया तो वो भी कहाँ एलिमेंट चला गया, जी में चला गया. तो अब जी को एक नया एलिमेंट मिल गया, कौन सा, ए स्क्वायर. तो अब मैं फिर से क्लोजर प्रॉपर्टी लगाती हूँ. क्लोजर प्रॉपर्टी फिर क्या बोलती है कि कोई एक एलिमेंट उठाओ ए, अब मेरी चॉइस है, मैंने बी जैसा मर्जी उठाना है. अब मैं वो बी ए स्क्वायर भी उठा सकती हूँ. तो अब मैंने कोई दो एलिमेंट्स ए और ए स्क्वायर उठा लिया विच बिलोंग्स टू जी. तो यूजिंग क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसे ही मैं इसमें फिर से क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी, वो क्या बोलेगा, ए इंटू ए स्क्वायर बिलोंग्स टू जी, विच मीन्स ए क्यूब बिलोंग्स टू जी. तो मुझे जी में एक और नया एलिमेंट मिल गया, ए क्यूब. ऐसे ही करते करते मुझे क्या मिल जाएगा, ए इंटू सो ऑन अप टू, ऐसे में सारे के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते जाऊंगी, ऐसे इन द एंड मुझे क्या मिल जाएगा, ए रेस टू पावर एन बिलोंग्स टू जी. तो मुझे मिला क्या कि ए से लेके पावर सारी, ए रेस टू पावर वन, ए रेस टू पावर टू, ए रेस टू पावर थ्री, सो ऑन अप टू ए रेस टू पावर एन, कहाँ पे मिल गए मुझे, सारे जी में मिल गए. तो इससे मुझे क्या पता चला कि मैं जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको मैं ए की पावर में लिख सकती हूँ. नाउ सिंस अगर जी आपका एक ग्रुप था तो ग्रुप में पक्का एक आइडेंटिटी भी होती है. तो वो आइडेंटिटी हम यहाँ पर ई ले लेते हैं. हमें नहीं पता वो आइडेंटिटी कैसी दिखती होगी, पर वो ऐसी ही होगी ई, जिसको हम ई से डिनोट करेंगे. तो ये ई की आइडेंटिटी बन जाएगी. ओके, तो यहाँ तक तो मुझे सारी बातें पता चल गई कि मैं जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ए की पावर में लिख सकती हूँ. मतलब ये इससे क्या मिला कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कहाँ चलेंगे, ग्रुप जी में. देयरफॉर अगर मैं बताऊँ कि ए रेस टू पावर माइनस एन मुझे चेक करना है कि क्या ए रेस्ट पर माइनस एन जी में है या नहीं, तो मैं इसको कैसे चेक करूँगी. अब देखो, ए रेस्ट पर माइनस एन को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए रेस्ट पर माइनस एन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए की पावर माइनस वन की पावर एन. इससे हुआ क्या, नाउ सी अगर जी हमारा ग्रुप था तो पक्का ये फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, इनवर्स की, तो ये पक्का इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा. तो अगर ए एलिमेंट है तो इसका इनवर्स कैसा होगा, ए इनवर्स जैसा. तो हम बोलते क्या थे कि जब भी कभी ग्रुप में हम इनवर्स निकालेंगे या फिर आइडेंटिटी निकालेंगे, वो आनी कहाँ चाहिए, उस ग्रुप में ही आनी चाहिए. तो अगर ए का कुछ इनवर्स ऐसा दिखता होगा वो पक्का जी में होगा. देयरफॉर ए इनवर्स भी किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा. तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि ए इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा. और अभी मुझे एक और चीज़ पता चली कि जी के एलिमेंट पे जब आप पावर एन लगाओ तो वो भी कहाँ चला जाता है, जी में चला जाता है. हेंस मुझे क्या मिल गया यहाँ से डायरेक्टली कि ये जो भी एलिमेंट है ये कहाँ चला जाएगा, सेट जी में चला जाएगा. देयरफॉर ये तो सारी बात हुई पावर ऑफ एन एलिमेंट की. अब हम मूव करते हैं साइक्लिक ग्रुप्स की डेफिनेशन पे. सो नाउ साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है. अ ग्रुप जी इज कॉल्ड अ साइक्लिक ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट ए विच बिलोंग्स टू जी सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ जी कैन बी रिटन एज एन इंटेग्रल पावर ऑफ ए, दैट इज इफ बी बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एन
फॉर सम इंटीजर एन. अब इस पूरी डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, वो ये कह रहा है कि एक ग्रुप जी को हम साइक्लिक ग्रुप तब बोलते हैं कि सपोज अगर आप में उसने एक एलिमेंट उठाया ए बिलोंग्स टू जी, तो उस एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, दैट एलिमेंट कैन बी रिटन एज एन इंटेग्रल पावर, कि उस एलिमेंट को हम इंटेग्रल पावर में लिख सकते हैं जो कि ये होती हैं, ये सारी की सारी इंटेग्रल पावर्स हैं. सिमिलरली माइनस में भी लिखी जा सकती हैं, जो अभी हम पीछे करके आए अप टू सो ऑन अप टू ए रेस्ट पर एन, और यहाँ से कहाँ तक सो ऑन अप टू ए रेस्ट पर माइनस. तो एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसको हम इंटेग्रल पावर्स में लिख सकते हैं, दैट इज़ वो ये बोल रहा है कि अब हर एक एलिमेंट को आप जी में उठाओ, दैट इज़ इफ़ बी बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए रेस्ट पर एन. अब इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपने कोई एलिमेंट ए जी से उठाया है, तो उस ए को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स जी में पड़े हैं उन सब एलिमेंट्स को मैं ए की पावर में लिख सकती हूँ. अब वो एलिमेंट कोई भी हो सकता है, वो कोई भी एलिमेंट बी होगा जिसको मैं ए की पावर में लिख सकती हूँ, वेयर एन इज़ एन इंटीजर. वो इंटीजर्स ऐसे हो सकते हैं. तो हम क्या बोलते हैं, तो हम उस ए को क्या बोलते हैं, जनरेटर ऑफ द ग्रुप. तो उस ए को हम क्या कहते हैं, जनरेटर ऑफ ग्रुप. जनरेटर का मतलब कि अब ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम यूजिंग ए बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स को बना सकते हैं, तब हम इस ए को क्या बोलते हैं, जनरेटर. नाउ सिंस इफ जी इज अ साइक्लिक ग्रुप, अगर जी कोई साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय ए, देन वी राइट इट एज जी इज इक्वल्स टू दिस. कि मतलब अगर ए से सारे के सारे एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं जी के, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं. अच्छा, अभी तो ये मैंने बात की थी अंडर मल्टीप्लिकेशन. पीछे ही जैसे हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ये मैंने करी थी अंडर मल्टीप्लिकेशन. अगर ये सपोज अंडर एडिशन में अगर मैं बात करती तो ये कैसे लिखी जाती, तो उसमें भी सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम रहती कि क्लोजर प्रॉपर्टी है. तो अब यहाँ पर हमने बी लिया था, अब मैं उसकी जगह ए फिर से लेती, तो फॉर ऑल जनरल डेफिनेशन क्या बनती कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए प्लस बी कहाँ होने चाहिए, जी में. तो अब मैंने फिर से बी को रिप्लेस कर देना था ए से, तो इससे मिलना क्या था कि ए प्लस ए बिलोंग्स टू जी, विच इम्प्लाइज टू ए बिलोंग्स टू जी. ऐसे ही अब टू एक नया एलिमेंट बन गया, जैसे यहाँ ए स्क्वायर नया एलिमेंट बना था, तो अब मैंने क्या लिया था ए और ए स्क्वायर, अब यहाँ लूँगी ए कॉमा टू ए विच बिलोंग्स टू जी, फिर इनको ऐड करूँगी, व्हाट विल गेट, विल गेट थ्री ए बिलोंग्स टू जी. ऐसे ऐसे मुझे अब कहाँ तक मिल जाएगा, यहाँ मुझे ए रेस्ट पर एन मिले थे, यहाँ पर मुझे एन ए मिलेगा. तो इससे मिला क्या मुझे कि यहाँ पर अब बात करी थी इंटेग्रल पावर्स की, यहाँ पर बन जाएंगे इंटेग्रल मल्टीपल, वेयर दिस एन बिलोंग्स टू इंटीजर. अब वैसे ही बात की सिमिलरली यहाँ पे माइनस एन ए भी हो जाएगा. तो अब अगर मुझे चेक करना है कि माइनस एन ए जी का एलिमेंट है या नहीं, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकती हूँ, माइनस माइनस ए इंटू एन लिख सकती हूँ. नाउ सिंस अगर जी हमारा ग्रुप है तो पक्का इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो अगर ए एलिमेंट है तो ए का इन्वर्स अंडर एडिशन कैसा दिखेगा, इन्वर्स माइनस ए जैसा. तो सिंस ये अगर जी का एलिमेंट है तो ए इन्वर्स भी इसका एलिमेंट होगा, और अगर ए इन्वर्स जी का एलिमेंट है तो जी के एलिमेंट के साथ जब मैं एन को मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो भी जी में जाता है, हेंस ये भी कहाँ चला जाएगा, जी में चला जाएगा. तो इसको बोलते हैं इंटेग्रल मल्टीपल, और इसको कहते हैं इंटेग्रल पावर्स. तो अंडर एडिशन हम ये चीज़ भी पढ़ सकते हैं. तो वापस आती हूँ मैं इसकी डेफिनेशन पे. तो अब ये साइक्लिक ग्रुप की हमें डेफिनेशन क्लियर हो गई. तो यहीं से एक चीज़ और मिलती है कि, तो अब यहाँ से हम एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट कैन बी रिटन एज, अगर ये मैंने की थी अंडर मल्टीप्लीकेशन, अब मैं लिखूंगी अंडर एडिशन, दैट इज इफ जी इज अ ग्रुप under addition then G is called a cyclic group if each element of G is an integral, यहां था power, यहां बन जाएगा integral मल्टीपल ऑफ ए, दैट इज इफ बी बिलोंग्स टू जी देन बी इज इक्वल्स टू एन ए,
फॉर सम इंटीजर एन. तो यहाँ पर हमारे साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन एंड होती है, और साइक्लिक ग्रुप को ही हम मोनिक ग्रुप भी बोलते हैं. सो देयरफॉर यहाँ से मुझे क्या पता चला कि साइक्लिक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कोई एक ऐसा एलिमेंट मुझे मिल जाता है कि जिससे सारे के सारे एलिमेंट्स हम जनरेट कर सकते हैं अंडर एडिशन और या फिर अंडर मल्टीप्लीकेशन. नेक्स्ट इज इफ जी इज जनरेटेड बाय ए बी अ साइक्लिक ग्रुप. अगर ये साइक्लिक ग्रुप होगा अब ऑफ ऑर्डर एन, मतलब इसमें कितने हैं एन एलिमेंट्स हैं, देन तो जी में कितने एलिमेंट्स होंगे एन एलिमेंट्स होंगे. तो देखो मैंने क्या कहा, अगर साइक्लिक ग्रुप है तो ए से जनरेट हो रहा है तो ए से सारे एलिमेंट्स बनेंगे, एक तो ए खुद होगा, फिर ए के पावर्स बनेंगी इंटेग्रल पावर्स, तो ए स्क्वायर ए रेस टू पावर थ्री सो ऑन अप टू कहाँ तक जाने वाला है. अच्छा अब ए रेस टू पावर एन तक नहीं जाएगा, क्यों? ध्यान दो यहाँ पर ऑर्डर कितना है एन, मतलब यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए एन. तो अब ये ग्रुप है तो ग्रुप में एक चीज़ पक्का होती है, वो कौन सी होती है? आइडेंटिटी. और आइडेंटिटी को मैं ई से डिनोट करती हूँ. तो आइडेंटिटी तो यहाँ आ गई, तो ये तो टोटल मुझे एन चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी एन माइनस वन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एन माइनस वन हो गए प्लस वन एक और एलिमेंट, तो टोटल हमें एन एलिमेंट्स मिल जाएंगे. तो ये हमारा ग्रुप बन जाएगा. तो साइक्लिक ग्रुप कुछ ऐसा दिखता है जिसमें आइडेंटिटी होती है और बाकी सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो ए के इंटेग्रल पावर में होते हैं. दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ जी में क्या बोल देती हूँ, एन बोल देती हूँ. अच्छा साइक्लिक ग्रुप की ही एक प्रॉपर्टी और है कि अगर मुझे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालना है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, जैसे सपोज ए का मुझे ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ ए जो होता है वो भी यहाँ पर एन के इक्वली होता है. ये साइक्लिक ग्रुप की ही दूसरी डेफिनेशन है कि मुझे जो एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो सारे के सारे ग्रुप को जनरेट कर रहा है और जिसका जिसका ऑर्डर भी कितना है, ग्रुप के ऑर्डर के ही इक्वल है, तब मैं उस ग्रुप को क्या बोलती हूँ, साइक्लिक ग्रुप. और अगर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट निकालना है वो हम देख लेते हैं उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट. तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जब हमने फाइंड आउट करना होता है हम ये देखते हैं कि उस ए की, अब मैं दोनों डेफिनेशन साथ में करूँगी, अंडर मल्टीप्लीकेशन भी बात करूँगी और अंडर एडिशन भी बात करूँगी. तो वो ये कहता है कि अगर किसी एलिमेंट ए का आपने ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे कि उस ऑर्डर उस एलिमेंट का हमने इंटेग्रल पावर निकालना है और ये देखना है कि किस इंटेग्रल पावर पे वो हमें ग्रुप की आइडेंटिटी दे. मतलब अगर मैं मल्टीप्लीकेशन पे बात कर रही हूँ तो उस एलिमेंट को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि कितने इंटेग्रल पावर्स तक लेकर जाऊँ सो दैट मुझे ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए. तो तब हम बोलते हैं उस एन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए. सिमिलरली अगर अंडर एडिशन बात करूँ तो मैं ये बोलती हूँ कि उस ए को मैं कितनी बार ऐड करूँ, मतलब उस ए का मैं कितना इंटेग्रल मल्टीपल लूँ सच दैट मुझे क्या मिल जाए, उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए. तब मैं इस एन को क्या बोलती हूँ, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए. नाउ नेक्स्ट इज अगर ए जो है वो जी का जनरेटर है तो ए का इन्वर्स भी जी का जनरेटर पक्का होगा. दैट इज इफ जी इज जनरेटेड बाय ए तो जी डेफिनेटली ए इन्वर्स का भी, ए इन्वर्स भी जी का जनरेटर होगा. दैट इज जी इज ऑल्सो जनरेटेड बाय ए इन्वर्स. वो मुझे पता है कि अगर ए जी का एलिमेंट है तो ए इन्वर्स भी पक्का जी का एलिमेंट ही होगा बिकॉज जी इज अ ग्रुप, तो इन्वर्स उसमें पक्का एग्जिस्ट करते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू सम एग्जाम्पल्स. जो पहला एग्जाम्पल हमने करना है वो देखो, वो क्या बोलता है कि द मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप, ग्रुप हमें मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप दिया है वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, जो कि हमें पता है क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. तो बोल रहा है दिस मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप को प्रूव करो क्या ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं. तो इस ग्रुप को सपोज पहले तो मैं लिख लेती हूँ ये ग्रुप है क्या, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये सेट जो है ये गिवन है. तो बोल रहा है इसको हमने साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना है. तो साइक्लिक ग्रुप प्रूव करने के लिए मुझे क्या 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 दिखाना पड़ेगा कि मुझे एक ऐसा एलिमेंट ए मिल जाए जिसकी हेल्प से मैं ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जनरेट कर लूँ. तो अब उस ए को मुझे फाइंड आउट करना है. तो मैं स्टार्ट करना करती हूँ. देखो अब यहाँ पर करना क्या है, मैं पहले एलिमेंट से स्टार्ट करूँगी. मैं देखती हूँ, मैं वन को उठा लेती हूँ. अब मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है तो अंडर मल्टीप्लीकेशन काम चलेगा. मैंने देखना है कि मैं वन को किसी तरीके से ओमेगा बना सकती हूँ या नहीं.
क्या मेरे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है कि वन को मैं ओमेगा लिख सकूं? नहीं. सिमिलरली अब ये तो ख़त्म हो गया, तो मतलब वन तो जनरेटर नहीं है. फिर चलती हूँ मैं आगे ओमेगा पे. तो ओमेगा की मैं बात करती हूँ, अब मुझे देखना क्या है, क्या मैं ओमेगा को वन बना सकती हूँ? देखते हैं. पहले ओमेगा के मैं क्या लूँगी, इंटेग्रल पावर्स लेना स्टार्ट करती हूँ. तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर मुझे चाहिए था, तो हाँ ये तो मुझे एक एलिमेंट तो मिल गया. फिर से मैं इसके इंटेग्रल पावर्स लेती हूँ एक और बार, तो ये बन गया ओमेगा क्यूब. और ओमेगा क्यूब यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वी नो ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू वन, विच इज़ इक्वल्स टू वन, और वन भी इसमें पड़ा है, देयर फोर वन बिलोंग्स. तो मुझे एक एलिमेंट ओमेगा ऐसा मिल गया जिसकी हेल्प से मैंने ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर दिया. देयर फोर मैं क्या बोलूँगी, ग्रुप जी इज़ जनरेटेड बाय ओमेगा. तो हेंस मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल गया, देयर फोर ये एक साइक्लिक ग्रुप बन गया. अच्छा, अगर इसका मुझे ऑर्डर चेक करना होता, ऑर्डर तो डायरेक्टली पता है कि ग्रुप में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतना ही होगा. तो ऑर्डर ऑफ जी तो हमारा 3 है. अभी ये मैंने प्रूफ कर दिया है साइक्लिक ग्रुप. अगर वैसे मुझे यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट भी देखना होता, तो अगर मुझे इस ऑर्डर, इस ओमेगा का भी ऑर्डर फाइंड आउट करना होता, तो क्या करती, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या थी, कि उसको क्या, उसकी क्या ऐसी इंटेग्रल पावर होगी कि मुझे क्या मिल जाए, ग्रुप की आइडेंटिटी. तो पहले तो मैं इस ग्रुप की आइडेंटिटी देखती हूँ. जो हमने लास्ट वीडियोज़ करी थी उसमें मैंने तुम्हें आइडेंटिटी निकालनी सिखाई थी. तो इसकी आइडेंटिटी यहाँ पर 1 होती है. तो देयर फोर मतलब मैं ओमेगा को ऐसे कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे आइडेंटिटी 1 मिल जाए, वो मुझे पता है. कितनी बार, 3 बार. तो देयर फोर यहाँ पे मुझे पता क्या चल गया, कि ग्रुप का ऑर्डर भी 3 है, ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर भी 3 है. यहाँ से भी हम डायरेक्टली प्रूव कर सकते थे कि ये एक साइक्लिक ग्रुप. एग्जाम्पल लेके देखते हैं. अभी हमने किया था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए, अब हम करेंगे फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए, जो कि क्या होते हैं, 1 - 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा. किसी को इनमें डाउट है अगर, तो हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं नई वीडियो एक और उस पर भी बना दूंगी. फिलहाल अभी इसको स्टार्ट करते हैं. तो वो ये बोल रहा है, अंडर मल्टीप्लीकेशन चेक करो क्या ये साइक्लिक ग्रुप बनाता है या नहीं. तो इसको चेक करने के लिए सारा प्रोसेस वही होगा, फिर से एक एलिमेंट पिक करेंगे, चेक करेंगे कि वो सारे ग्रुप के एलिमेंट को जनरेट कर रहा है या नहीं. तो मैं स्टार्ट करती हूँ 1. तो चलो पहले इसकी आइडेंटिटी निकाल लेते हैं. अंडर मल्टीप्लीकेशन इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी होगी, दैट इज इक्वल्स टू 1 होगी. देयर फोर मैं आगे चलती हूँ. क्या मैं -1 से कभी आयोटा को जनरेट कर सकती हूँ? नो. तो देयर फोर -1 तो इसके जनरेटर नहीं होगा. मैं आयोटा से स्टार्ट करती हूँ. हमारे पास आयोटा है, अब इसके इंटेग्रल मल्टीपल्स लेने स्टार्ट करने हैं. तो इंटेग्रल मल्टीपल उठाती हूँ आयोटा इंटू आयोटा, विच इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर. नाउ सिंस वी नो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 इसमें पड़ा है, तो एक एलिमेंट मुझे मिल गया. मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा फिर से निकालती हूँ, विच इज़ आयोटा क्यूब, जिसकी वैल्यू क्या होती है, -iota, विच बिलोंग्स टू सेट जी. तो मुझे -iota भी मिल गया. सिमिलरली फिर से मैं एक और पावर लेती हूँ, विच इज इक्वल टू आयोटा रेज टू पावर 4. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1 - -1, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके 1 बनेगा, विच बिलोंग्स टू जी. तो मुझे सारे के सारे एलिमेंट्स बन गए यहाँ पे यूजिंग द हेल्प ऑफ आयोटा. तो मतलब यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ, जी का जो जनरेटर है वो कौन है, आयोटा. दैट इज आयोटा इज़ द जनरेटर ऑफ जी. तो मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिससे सारा ग्रुप जनरेट हो रहा था, ग्रुप के एलिमेंट्स. हेंस दिस जी इज़ अ साइक्लिक ग्रुप. अच्छा, अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ, यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं, 4. तो ऑर्डर ऑफ जी इज़ 4. चेक करती हूँ क्या आयोटा का ऑर्डर 4 आ रहा है या नहीं. आयोटा का ऑर्डर कैसे चेक करेंगे, कि मैं इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए. और आइडेंटिटी मेरी क्या है, यहाँ पे 1. तो आई की मैं कितनी पावर लूँ कि मुझे 1 मिल जाए, वो हमने यहाँ पे कहीं सॉल्व किया हुआ है. ये 1 मुझे कौन सी पावर पे मिला था, 4 पे. तो देयर फोर एन हमारा कितना आ जाएगा, 4. दैट इज ऑर्डर ऑफ आई इज 4. देयर फोर ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी 4 है एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी 4 है. यहाँ से भी हम प्रूव कर सकते थे कि जो यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप. नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं. लास्ट वीडियो में हमने ग्रुप्स ऑफ रेजिड्यूज पढ़े थे, तो उसी का ही एक एग्जांपल लेते हैं. दैट इज आपको ग्रुप दिया है जी 0, 1, 2, 3, 4, 5 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6. आपको सेट ये दे रखा है और बाइनरी ऑपरेशन दिए है एडिशन अंडर मॉड्यूलो 6. तो फिर अब हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये जो सेट जी है अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन, क्या ये साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करती है या नहीं.
तो अब इसको चेक करने के लिए फिर से वही कि कोई मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिससे सारे के सारे एलिमेंट्स जनरेट हो जाएं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं अब ज़ीरो से देखो, ज़ीरो को मैं कितनी बार ऐसे ऐड करूँ कि सारे एलिमेंट्स मिले, ज़ीरो तो कभी भी जनरेटर नहीं हो सकता। तो मैं वन से स्टार्ट करती हूँ। तो देखो अब यहाँ पर ध्यान देना है, हमने ऐड करना, और ऐड भी कैसा है, एडिशन मॉड्यूलो 6 है। तो वन से तो वन तो जनरेट हो ही जाता है ना, वन तो इट्सेल्फ एक नंबर ही है। तो मैं चलती हूँ, जैसे ही वन प्लस वन करूँगी, अब ये वन प्लस वन इज़ अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6 विच विल गिव 2। तो हमने अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6 जब भी पढ़े थे, मॉड्यूलोस पढ़े थे, हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका एन डिवाइज़र होता है, हम उसको डिवाइड करते हैं, जो भी हमारा रिजल्ट आता है उस एन से हम उसको डिवाइड करते हैं, और फिर जो भी रिमाइंडर आता है वो हम यहाँ पे फिल करते हैं। अब देखो जो डिवाइज़र है वो अपने से छोटे नंबर को तो डिवाइड करेगा नहीं, यहाँ पे डिवाइज़र है 6, तो 6 अपने से छोटे नंबर को तो कभी डिवाइड करने नहीं वाला, वो या तो अपने आप को करेगा या फिर अपने से बड़े नंबर को करेगा। तो जब तक रिजल्टेंट 6 से लेस आएगा तब तक वो आंसर एज इट इज़ ही आता जाएगा। जैसे ही 6 या फिर 6 से बड़ा आ गया तब हम उसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे और फिर रिमाइंडर्स हम चेक करेंगे। तो देयर फोर यहाँ तो 2 आ गया और मुझे 2 चाहिए भी था, हेंस बिलोंग्स टू जी। देयर फोर 1 1 6, अब मैं 3 टाइम्स करती हूँ इसको, तो मुझे सॉरी 1 1 1, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3, ये भी इससे छोटा है तो 3, तो मुझे 3 भी एलिमेंट मिल गया है यहाँ पे। सिमिलरली 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 विच विल गिव 4, 4 भी आ जाएगा, ऐसे ही मुझे 5 भी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही मैं 6 टाइम्स इसको ऐड करूंगी, जैसे ही मैंने इसको 6 टाइम ऐड किया तो इसने आंसर 6 दिया। अब इस 6 को मैं 6 से डिवाइड कर सकती हूँ, जैसे ही मैं 6 को 6 से डिवाइड करूँगी मुझे रिमाइंडर मिलता है 0, तो दिस 6 इज़ इक्वल्स टू 0। तो मुझे दिखा क्या, जैसे ही 1 की हेल्प से मुझे ये 1 2 3 4 5 ये सारे एलिमेंट्स मिल गए और 0 भी मिल गया, और 1 इटसेल्फ तो 1 बना ही रहा था, इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 1 तो इसको एलिमेंट को बना रहा था। तो मुझे मिला क्या, यहाँ पे अब अंडर एडिशन है तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंटेग्रल मल्टीपल्स की, वो वाला एन ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी जो बोलते थे। तो हमें ये एलिमेंट्स मिल गए यहाँ पे। तो देयर फोर यहाँ पे मुझे क्या पता चल गया कि जो सेट जी है दैट इज जनरेटेड बाय 1, वो 1 से जनरेट हो रहा है, देयर फोर दिस जी इज अ साइक्लिक ग्रुप अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर जब हम साइक्लिक ग्रुप्स पढ़ते हैं, आपको वो कहता है कोई भी एक एलिमेंट आप ऐसा फाइंड आउट कर लो सच दैट ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए। अब ज़रूरी नहीं है किसी भी ग्रुप में एक ही जनरेटर होगा, एक से ज़्यादा जनरेटर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला जो एग्जांपल किया था, वहाँ पे मुझे जनरेटर ओमेगा मिला था। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर पिक करती तो चेक करते हैं क्या बनता। ओमेगा स्क्वायर को जब मैंने ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया ओमेगा रेस्ट पर 4, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा, हेंस मुझे ओमेगा एलिमेंट मिल गया। यहाँ से फिर से ओमेगा स्क्वायर को अब मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा ओमेगा रेस्ट पर 6। इस ओमेगा रेस्ट पर 6 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ओमेगा क्यूब की पावर 2, और ओमेगा क्यूब इज़ 1, 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो मुझे 1 भी मिल गया। तो मुझे क्या दिख गया कि ओमेगा स्क्वायर की हेल्प से मैंने ओमेगा भी जनरेट कर दिया, 1 भी जनरेट कर दिया, और ओमेगा स्क्वायर तो खुद से ही मिल रहा है हमें। दिस इम्प्लाइज, इससे मुझे पता क्या चला कि जो जी था वो ओमेगा स्क्वायर से भी जनरेट हो रहा था। देयरफॉर किसी भी साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही जनरेटर हो। सिमिलरली यहाँ पर भी हम इसके जनरेटर्स फाइंड आउट कर सकते थे। सपोज अगर मैं 5 एलिमेंट उठाती हूँ, 5 को जब मैं ऐड करना स्टार्ट करती तो इसका मुझे ये भी जनरेटर मिल जाता, वो आप खुद से चेक करना, कहीं डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में उसको प्लीज़ मैंशन करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, अब मैंने लिया मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 के लिए। तो एलिमेंट्स कैसे हैं 1 2 3 4, तो मुझे इसको चेक करना है क्या ये साइक्लिक ग्रुप बनाता है या नहीं। तो अब इसको चेक करने के लिए फिर से वही स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी फाइंड आउट कर लेती हूँ, इसकी आइडेंटिटी मुझे 1 मिलने वाली है, दैट इज़ ई इज़ इक्वल्स टू 1। मैं चेक करती हूँ कि कौन सा एलिमेंट हमें मिल रहा है। अब 1 से तो कभी हमें 2 मिलने नहीं वाला कि मैं 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं 2 से स्टार्ट करती हूँ। ये रहा मेरे पास 2, अब 2 × 2 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 हमें मिलता है 4। तो यहाँ पे 5 डिवाइज़र है, 5 अपने से छोटे को करेगा नहीं डिवाइड, तो 4 को 4 ही रहने देगा। दिस इम्प्लाइज़ तो 4 तो मुझे मिल गया। अब फिर से इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 3 टाइम्स,
विच इज़ इक्वल्स टू 8. अब 8 5 से बड़ा है, तो 8 को 5 से डिवाइड करते हैं. जैसे ही 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3, तो इस इज इक्वल्स टू 3, तो मुझे 3 भी मिल गया. सिमिलरली इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज इक्वल्स टू 16. 5 से फिर डिवाइड करो, 15 पे गया रिमाइंडर 1, तो मुझे 1 भी मिल गया. और 2 इटसेल्फ पड़ा था, तो मुझे क्या मिल गया, 2 से भी ये सारे एलिमेंट्स मिल गए. अब वैसे अगर चाहो तो 2 रेज टू पावर फिर से यहाँ पे 5 जब करोगे, तो मुझे यहाँ पर रिमाइंडर 2 मिलेगा, जो कि 32 होता है. जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा, तो 2 एलिमेंट भी जनरेट हो गया. तो मैं यहाँ सिंपली क्या बोल सकती हूँ, जी इज़ जनरेटेड बाय 2. सो गाइज, अभी के लिए इतना ही. हमने यहाँ पर साइक्लिक ग्रुप पढ़ लिया है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पढ़ लिया है कि इसको कैसे चेक करते हैं और साइक्लिक ग्रुप को कैसे चेक करते हैं. सो आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, जो भी इनके क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करो, और जो भी कोई डाउट आता है तो उसको हमारे साथ शेयर करो. टिल देन टेक केयर, थैंक यू, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.